बॉयफ्रेंड है, आप सिंगल हो? फ्रेंड नहीं है, बट मैं सिंगल भी नहीं हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस अंतिमा लाइफस्टाइल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज फाइनली मैं फर्स्ट टाइम Q&A वीडियो लेके आ चुकी हूँ, सो आपको लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। सो अगर आप वीडियो पे नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन किया है सोनू के ब्लॉग से, सोनू जी ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने किया, तो रिप्लाई भी पहले इनको ही मिलना चाहिए, तो इनसे ही शुरुआत करते हैं। तो सोनू जी ने हमसे पूछा है, आप अपना चैनल कैसे मोनेटाइज की और न्यू यूट्यूबर कैसे अपना चैनल मोनेटाइज करा सकते हैं, टिप्स बताओ। टिप्स तो लेना चाहिए आप लोगों को, बिकॉज मैंने बहुत जल्दी अपना चैनल मोनेटाइज करा लिया था। सो टिप्स मैं क्या बताऊँ, यही अच्छे वीडियोज बनाइए और क्या अच्छे अच्छे कंटेंट लाइए, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तभी तो लोग देखेंगे ना, उसमें बने रहेंगे ना। तो ये थोड़ा सा टिप्स था। और मैंने अपना वीडियो कैसे मोनेटाइज किया इस बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मैं वीडियोस जब डालती थी, मैं लॉन्ग वीडियो ज़्यादातर डालती थी, 6 मिनट का, 5 मिनट का, कोई कोई 1 मिनट हो जाता था, ऐसे करके वीडियोस मैं डालती थी। अगर तो उन वीडियोस पे अगर वायरल क्या मतलब 2K 3K 4K ऐसे चल जाता था मेरा वीडियोस, तो उस तरह से करके मेरा वीडियोस का जो वॉच टाइम है बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था। तो इस तरह से मेरा वीडियो वॉच टाइम कंप्लीट हुआ और मोनेटाइज हो गया। सो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। सो गाइस, सोनू जी ने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, एंड सेकंड है कि एक फनी सवाल है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? अच्छा, 14 फरवरी आ रहा है, 14 फरवरी से बॉयफ्रेंड का क्या कनेक्शन? बॉयफ्रेंड नहीं है, बट मैं सिंगल भी नहीं हूँ। नो, आई एम टेलिंग यू। अरे कहना क्या चाहते हो? सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। सो सेकेंड क्वेश्चन है सचिन84 का। तो उन्होंने क्वेश्चन किया, ब्यूटीफुल को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे ये तो कोई भी बता देगा ना, आपने ये सब क्वेश्चन क्यों पूछा? गजब बेइज्जती है। ब्यूटीफुल को हिंदी में कहते हैं खूबसूरत, आकर्षक, सौंदर्य, और भी बहुत सारी चीजें कहते हैं, मुझे इतना ही पता है। एंड इन्होंने सेकंड क्वेश्चन भी किया है, सुंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल, नाइस, और भी पता नहीं क्या क्या, मुझे इतना पता है। एंड थर्ड क्वेश्चन किया है दिवाकर कुमार ने, व्लॉगिंग आपका फैशन है या वर्क? और व्लॉगिंग आपका फैशन है या वर्क? और आप किसका वीडियो देख के व्लॉग करना चाहें, या फिर आपको कब पता चला कि YouTube से भी पैसे कमाया जा सकता है? और आप कितना पढ़ी लिखी हैं? और लास्ट, आपकी शादी कब होगी? क्या? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने दिवाकर जी। व्लॉगिंग मेरा फैशन एंड वर्क दोनों ही है, और मैं बताना चाहती हूँ, मैं किसी एक का वीडियो देख के नहीं आई हूँ YouTube पे। सो मैंने बहुतों का वीडियो देखा है, और मेरी इम्प्रेशन है, जो इंस्पिरेशन बोलते हैं जिनको, वो है हाउसवाइफ। बहुत सारी हाउसवाइफ जब वो कर सकती है, अपना घर संभाल सकती है, बच्चे संभाल सकती है, फिर ब्लॉगिंग कर सकती है, तो मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो ये सब चीजें, और अगर खास किसी का एक नाम लूँ तो वो है मैम गांव की शांति, जो मेरी मोस्ट फेवरेट है, वो मुझे बहुत पसंद है। ज्यादातर मैं हाउसवाइफ को ही देखती रहती हूँ, और भी बड़े यूट्यूबर हैं उनको मैं ज्यादा फॉलो नहीं करती, बट मैं जो हाउसवाइफ्स हैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है उनकी चीजें देखना, उनसे सीखने को भी मिलता है ना, घर का काम और बहुत सारी चीजें। और क्या पूछा आपने, और लास्ट में आपकी शादी कब होगी? अब मैं क्या बोलूँ, शादी अपनी मर्जी से थोड़ी होती है, ये तो फैमिली पे डिपेंड करता है ना, वो कब कराना चाहते हैं, बट मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ।
ये सवाल एक और ने पूछा है तो मैं उसमें डिटेल में बताऊंगी। तो फिलहाल के लिए आपको इतना बता दूं कि मैं फिलहाल में शादी का कोई मेरा प्लान नहीं है, तो मैं अभी शादी नहीं करने वाली हूँ। ओके, सो मैं शादी ग्रेजुएशन मैंने सोचा है ग्रेजुएशन करने की बात करने वाली हूँ। तो सो मेरा ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं सोचूंगी। एंड मुझे कहाँ से पता चला कि यूट्यूब से पैसे भी आते हैं, मुझे पता नहीं चला था। मुझे ये पता था कि हाँ यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, ये नहीं पता था डॉलर मिलता है फिर मोनेटाइज होता, कुछ भी नहीं पता था। बट मैं यूट्यूब पे आ गई थी, पर आने के बाद पता चला कि हाँ ऐसा होता। इतना पता था कि हाँ यूट्यूब से पेमेंट मिलता है, इतना पता था, इसीलिए तो आई थी ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है द टेक्निकल जुनैद ने। तो जुनैद भाई ने क्या क्वेश्चन किया है चलिए देखते हैं। सो जुनैद ने क्वेश्चन किया है, दो क्वेश्चन किया है। पहला क्वेश्चन किया है कि एक न्यू यूट्यूबर की चैनल कितने दिन में ग्रो हो सकता है। सो मेरे भाई इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक न्यू यूट्यूबर की चैनल कितने दिन में ग्रो हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना, माई फर्स्ट ब्लॉग जब आया था तो 10 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में बहुत सारे यूट्यूबर की चैनल जो है ग्रो कर गई थी। सो ये लक पे डिपेंड करता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, बट ज्यादातर मुझे लगता है कि लक ही साथ देता होगा। लक और मेहनत ये दो चीजें रहे तो चैनल ग्रो कर जाता है। सो सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है जुनैद भाई ने, एक न्यू यूट्यूबर को कितने वीडियो अपलोड कर देने के बाद उसका अपना चैनल में ग्रो मिल जाता है, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। सो भाई मैंने बताया ना, अगर आप अच्छे वीडियोज डालते हैं तो 1-2 में ही अच्छे रिस्पॉन्स मिलने शुरू हो जाते हैं। वहीं आप अच्छे कंटेंट नहीं डालेंगे और बहुत सारे वीडियो डाल देंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप वीक हर कोई बोलता है सप्ताह में 1 वीडियोज डालो, बट अच्छी वीडियोज डालो ताकि अच्छा लगे, ऐसे आपके वीडियोज चलेंगे, चैनल ग्रो होगा। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरी प्यारी प्यारी दीदी काव्या दीदी का। तो इन्होंने क्या क्वेश्चन किया है जरा सुनिएगा, आप शादी कब कर रहे हो। तो जैसे कि आपको पता होगा मैं बिहार से हूँ, यहाँ पे लड़कियों को शादी अपनी मर्जी से करने की अनुमति नहीं होती है। सो ये फैमिली पे डिपेंड करता है, बट मुझसे पूछा जाए तो मैं अपना बता देती हूँ। मेरी शादी मैंने जब मैट्रिक किया था तो इंटर में मेरा एडमिशन होने वाला था, तब ही मेरी वेडिंग हो चुकी होती, बट मैंने उसको टाल दिया था और अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। सो मेरा ये है कि मैं अपना ग्रेजुएशन पहले कम्प्लीट करूँ, उसके बाद में शादी करूँगी। तो इसलिए मेरी शादी अभी नहीं हो रही है, ग्रेजुएशन करने के बाद होगी, फैमिली की मर्जी से ही होगी। सो इसलिए अभी मेरा मैरिड करने का कोई प्लान नहीं है। वैसे भी मैं 2 भाइयों से छोटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि एक भाई की शादी हो जाए, भाभी आ जाए, उसके बाद मैं अपनी जिम्मेदारी उन पे रख के आराम से जा सकूँ ससुराल। सो अभी मेरा कोई प्लान नहीं है शादी करने का, जी लेने दो ना मुझे अपनी जिंदगी, क्यों बांधना चाहते हो आप मुझे वीडियो में। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। थैंक यू काव्या दी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी बहू व्लॉग का, ये मनीषा दी हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन किया सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। सब्सक्राइबर बढ़ाने का कोई टिप्स नहीं होता, सिर्फ एक ही होता है, आप कंटेंट अच्छा डालिए, वीडियोस अच्छा बनाइए, ब्लॉगिंग अच्छा कीजिए, अट्रैक्टिव कीजिए, तो आपके ब्लॉग पे लोग टिकेंगे, आपकी वीडियो नेक्स्ट टाइम भी देखना चाहेंगे, तो आपके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो इस तरह से सब्सक्राइबर आप बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है शंकर कुमार आर्यन ने। तो उन्होंने क्वेश्चन किया आप कैसे जीवन साथी चाहती हो, YT पे आप किसका सपोर्ट, आपको किसका सपोर्ट मिला था, आप अपने से आप आगे, अब आगे क्या प्लान है। सो जीवन साथी के बारे में पूछा है इन्होंने, तो मैं बता दूं जैसा कि हर लड़कियों का होता है, ट्रस्टेड हो, सपोर्टिंग हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, हर चीज़ में समझे, बात को समझे, खुद को समझने वाला हो, साथ दे, विश्वास करे, और क्या बोलूँ, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। एंड किसका साथ मिला था यूट्यूब पे आने पे, यूट्यूब पे आने पे मुझे जिसका साथ मिला था, मैंने आपको बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बट मैं सिंगल भी नहीं हूँ। सो उसका रीज़न ये था कि है कोई मेरी लाइफ में, बॉयफ्रेंड नहीं मानती हूँ उनको, बट है फैमिली की मर्जी से ही है, तो बॉयफ्रेंड थोड़ी ही ना होंगी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वही मुझे मोटिवेट करते हैं, और यूट्यूब पे आने के लिए उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया था। वैसे यूट्यूब पे आना मेरी खुद की मर्जी थी, मैं अपनी च्वाइस से आई हूँ,
बट सपोर्ट उनसे ही मिला था, उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि हाँ आप जाओ, आप कर सकती हो अगर आप करना चाहती हो तो उनसे ही सबसे ज़्यादा मिला एंड थैंक यू सो मच। मैं उनको वीडियो के जरिए बोलना चाहती हूँ। सो आपने पूछा था नेक्स्ट आगे का क्या प्लान है, आगे का क्या प्लान है, यूट्यूब भी चल ही रहा है मेरा, ग्रेजुएशन भी हो ही रहा है। सोचते हैं, अभी हमने उतना कुछ सोचा नहीं है, बस चल रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है समू के ब्लॉग से समू जी ने। तो समू ने बोला मैम आपका क्वालिफिकेशन क्या है। मेरी क्वालिफिकेशन है मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, पार्ट वन में हूँ बीए का। एंड इन्होंने सेकंड क्वेश्चन किया आप वाईटी के अलावा क्या करती हो। मैं वाईटी के अलावा स्टडी करती हूँ, घर का काम करती हूँ बस। और तीसरा क्वेश्चन इन्होंने किया है किसको देखकर वाईटी स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर मैंने पहले भी दिया था, अभी भी दे देती हूँ कि मैं बहुत सारी हाउसवाइफ को देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, उनसे सीखने को मिलता है। एंड मेरी फेवरेट जो है वो गांव की शांति मैम है, माय मोस्ट फेवरेट मैम। एंड फोर्थ क्वेश्चन है और आपके कितने डॉलर हो गए हैं प्लीज मैं भी अरे अगर मैंने अभी अपना डॉलर बता दिया ना तो कोई भी यूट्यूब पे आगे से आना नहीं चाहेगा। सो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म करते हैं। ओके थैंक यू सो मच समू जी क्वेश्चन करने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है इमरान खान ने, उन्होंने बोला आप इतनी क्यूट क्यों हो, आपकी खूबसूरती का राज क्या है। इतनी भी खास नहीं हूँ मैं, बट मेरी खूबसूरती का राज जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि मेरी खूबसूरती का राज है सोना, नींद। मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ, 8 बजे तक सोती ही रहती हूँ, दिन में भी सोती हूँ 2-3 घंटे बस सोती ही रहती हूँ। तो मेरी खूबसूरती का राज पता चल गया होगा। थैंक यू इतने प्यारे क्वेश्चन करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टा पे भी, तो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो वो मोस्टली एक ही तरह के थे, आपके बॉयफ्रेंड हैं, आप सिंगल हो, इस टाइप के। और बहुत सारे मतलब मेरी क्वालिफिकेशन भी पूछ रहे थे, तो सो मैंने बताया ही, तो मैं उनका जवाब एक साथ में दे देती हूँ। सबका नाम नहीं ले पाऊंगी सॉरी, क्योंकि वीडियो मैंने ऐसे भी भूल भूल के लंबा कर दिया है बहुत ज़्यादा। सो मैं बता दूँ, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बट मैं सिंगल भी नहीं हूँ। तो ऐसा मैंने क्यों बोला, बिकॉज मैं इंगेज्ड हूँ एंड मेरी इंगेजमेंट भी नहीं हुई है। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आप सबको कैसे समझाऊँ, बट मैं फिलहाल मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, पर इतना ही बोलूंगी जैसे भी है जो भी है फैमिली की मर्जी से है, तो मैं उसको बॉयफ्रेंड नहीं बोल सकती, प्यान से बोल सकती एक तरह से, बट हमारी इंगेजमेंट नहीं हुई है अभी, तो यही है मैं सिंगल नहीं हूँ। और आज के बाद से ये क्वेश्चन ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। सो अब मुझे आज्ञा दीजिए मैं वीडियो को एंड करूं, और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपना ढेर सारा सपोर्ट बनाए रखिए। मुझे सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना रही हूं, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई हूं। तो प्लीज़ सपोर्ट दीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूं, मेरा मन करे वीडियोस बनाने का तभी तो बनाऊंगी ना। तो प्लीज़ बहुत सारा सपोर्ट प्यार दीजिए, और मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके जाने। ओके वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।